तो थैंक यू संजय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और शुरू करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने आप को। माई सेल्फ तरुण तेजा, मैं एग्रीकल्चर ट्रेनर हूँ। और फ्रॉम पास्ट लाइक अराउंड 1 ईयर में यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की काम कर रहा हूँ। और हमारा जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, हमारा एग्रो केयर सोल्यूशन का बायो स्टिमुलेंट्स हो, सॉइल एप्लीकेशन हो, पेस्ट मैनेजमेंट हो, जो भी है, जो भी हमारा कुल मिला के जो भी प्रोडक्ट है, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी हमारा सोल्यूशंस है, वी आर गाइडिंग विद द फार्मर्स, वी आर गाइडिंग विद द लीडर्स, वी आर गाइडिंग विद द रैंक होल्डर्स। उनको हम वी यूज टू ट्रेन, वी यूज टू गिव देम नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, उसमें क्या क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका काम क्या करता है, कितने तादाद में डालना है, उसके साथ जो एक्सपर्टीज है मेरा और संजय सर का दोनों का, विच विच शेयर विथ यू, और कैसे करना है, कैसे लाइक यू हैव टू, हमको टारगेट कैसे बनाना है कि खेती को हम प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन कैसे बना पाए, और हम किसानों को कम पैसे की जो उनका जो लागत हुआ करता था, जो पैसे वो लगाते थे, उनको कम करके हम ज्यादा पैदावार क्षमता उनको बढ़ा पाए और उनको आमदनी ज्यादा दे पाए, तो यही टारगेट होता है। एंड वी बेसिकली फ्रॉम आवर एसएसपीएल टीम ऑफ मैनेजमेंट, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कितना मतलब द सोल्यूशन ओरिएंटेड जो भी हमारा होता है, द प्रोडक्ट्स आर सोल्यूशन ओरिएंटेड, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, और जो भी हमारा जो भी सेशंस रहते हैं, वी यूज टू ट्रेन, और कोई यहाँ पे ऐसे नहीं देखोगे दैट वेयर द जूम सेशंस आर कंडक्टेड एवरी डे फ्रॉम 8 to 9 PM। बस एग्रो केयर का ही नहीं, हर एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का हमारा सेशंस रहते हैं, यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। तो ये जो हमारा इनिशिएशन है, इसका आप लाभ उठा सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको कैसे जैविक में करना है, मेन पॉइंट वो है, मेन मेन मुद्दा वही है कि हमको कैसे जो रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं किसान लोगों को, उनको जो जितना वो पैसे लागत करते थे किसान जो भी रासायनिक पदार्थों में, वो सब ज्यादा होता था, उसको कम करके कैसे जैविक में बदल के उनको लाभ हम पहुंचा सकते हैं, ये हम डिटेल में जानकारी लेंगे। और जैसे आज का जो टॉपिक होने वाला है, डिटेल हमारा जो प्रोडक्ट रिव्यू होने वाला है, ट्रेनिंग होने वाला है, प्रोडक्ट का हमारा जो भी प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज आप आज प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या काम करता है, कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, उसका क्या है गुण तत्व, क्या है उसका लगाने से क्या फायदा होते हैं, ये कैसे डिप्लीट कर सकते हैं हमारा आने वाले दिनों में, कैसे हम किसानों को हम जागरूक कर सकते हैं। तो शुरू होने से पहले आई आई रिक्वेस्ट आप सभी को कि मैं प्लीज आप एंगेज रहिए, और आप चैट बॉक्स में प्लीज आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा बात सुनाई दे रहा है कि आप सभी को क्लियरिटी, और स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रहा है ना। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग त्रिलोचन जी, विमला सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू या थैंक यू। तो क्लियरली सब कुछ सुनाई दे रहा है, एंड एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी। यस, तो क्या शुरू करें? प्लीज चैट बॉक्स में आप सभी मैसेज कीजिए, योर इन्वॉल्वमेंट मैटर्स आउटमोस्ट, हमको वो इनकरेजमेंट मिलता है। ओके थैंक यू। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जो भी एग्रो केयर सोल्यूशन का आज का जो सेशन होने वाला है, रिगार्डिंग आवर डिटेल एग्रो केयर का बायो स्टिमुलेंट्स के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, सॉयल एप्लीकेशन के बारे में, पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, आज पूरा डिटेली हम जानकारी लेंगे। तो वेलकम टू एग्रो केयर सॉल्यूशंस ऑफ आवर एसएचपीएल प्रोडक्ट। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा आता है सर्वो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। सर्वो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स क्या है सर? सर ये 5 किलो का कट्टा आता है, ये आपको ग्रैनुअल्स फॉर्म में होता है, ये दानेदार जैसे आपको मिलता है, और ये थोड़ा क्या करता है सर, इसमें ह्यूमिक सब्सटेंसेस मिलते हैं, इसमें ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं, ये आपकी जो मिट्टी की गुण तत्व है, जो आपकी मिट्टी की पैदा क्षमता थी, जो आपकी मिट्टी की पोषक तत्व थी, वो सब बढ़ाता है। ये क्रॉप प्रोडक्शन, आपकी मिट्टी की जो भी पैदा क्षमता था उसको बढ़ाने में काम आता है, जड़ की विकसितता में काम आता है, जीवाणु सूक्ष्म जीव जो हमारे पौधे को चाहिए खाना बनाने के प्रक्रिया में वो जो इस्तेमाल करते थे उसके बारे में, उसको अच्छा खासा डिटेल, अच्छा एनवायरमेंट देना, अच्छा वातावरण देना, अच्छा अच्छा प्रदूषण बिना बिना प्रदूषण वाला वातावरण देना, जहाँ पे वो अच्छे से फल फूल सके। और ये क्या करता है, सॉइल कंडीशनर के काम करता है, सॉइल को जैसे हम हमारी बाले को हम चम्पी करवाते हैं, हम ऑयल मसाज करवाते हैं, हम शैम्पू करवाते हैं, वैसे मिट्टी को भी हमको
वो चम्पी वो सॉइल मसाजिंग कंडीशनिंग में चाहिए, क्योंकि कणी की भी जीतता चाहिए। अगर आप ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होता है, मिट्टी कठोर बन जाता है, उसका जो घनत्व रहता है वो नहीं हो पाता है, जड़ अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है, जड़ अच्छे से फैल नहीं पाता है, जड़ को उतनी मजबूती से कोई भी चीज अगर चाहिए, जैसे कि खनिज तत्व तो हो गया, पानी का कण हो गया, वो रहता नहीं है, वो कठोर बन जाती है, मिट्टी कम्पैक्ट हो जाता है, मिट्टी पूरा कठोर बन के उसके कण के अंदर जगह नहीं रह पाता, जहां पे खनिज तत्व तो, मिट्टी, सूक्ष्म जीव के और बहुत सारे कण मिलते हैं, वहां पे खाना बनाने का प्रक्रिया सक्रिय होता है। इसका इस्तेमाल करने से भी बहुत सारे आप ऐसे मान सकते हैं कि बैक्टीरियल प्रोन डिजीजेस से भी आप राहत कुछ हद तक पा सकते हो, फंगल भी कुछ हद तक ये मिटा देता है। तो ये कैसे इस्तेमाल करना है, आप जानते रहेंगे कि सर यूरिया और डीएपी एमओपी जो भी आप इस्तेमाल करते थे उसके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैविक खाद जो गोबर जो आप लेते थे उसके साथ भी आप इसको छिड़काव कर सकते हो, कोई भी आप रासायनिक सार इस्तेमाल कर रहे हो, रासायनिक का कोई भी आप अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आप उसके साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो। और ये कैसे करना है सर, ये जो भी यूरिया डीएपी आप लेते हो वो 50% काम कम कर देना है पहले साल में, दूसरे साल में 30 से 20% कम कर देना है, तीसरे साल में 0 से 20% कम करना है। ऐसे अगर आप 3 साल तक करते रहेंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो केमिकल से राहत मिल जाएगी और जैविक में बदलने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे अगर 3 साल के बाद आप अगर करोगे तो आपकी मिट्टी में मतलब हमको ज्यादा हार्श एलिमेंट्स मिलता था जो कि हमारी मिट्टी की गुण तत्वों को कमी कर देती थी, वो सबको आपको राहत मिलेगी, वो सबसे आपको बचत मिल पाएगी, और ये जैविक में बदलने के कारण आपकी पैदावार जो था वो ज्यादा मिठास, ज्यादा ज्यादा जो भी पोषक तत्व तो होने चाहिए वो पैदावार में वो होता है, उसको जो पोषक तत्व तो मिलनी चाहिए, जो खाने से हमको जो मिलनी चाहिए वो सब भरपूर मात्रा में उनको मिल पाता है। और जो रासायनिक का इस्तेमाल करते हो इसका बहुत ही खराब मतलब प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, वातावरण में प्रदूषण फैलता है, मिट्टी का प्रदूषण होती है, हवा का प्रदूषण होता है, पानी का प्रदूषण होता है, जो किसान उसको स्प्रे करता है उसको कैंसर आता है, जो लोग उन जो खाते हैं किसान जिनको खिलाता है वो भी पीड़ित रोग से पीड़ित होते हैं। तो ये सब जो केमिकल के कारण ही आजकल ज्यादा बीमारियां फैलने लगी है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपकी दायित्व बनता है कि आप जो भी किसान मतलब बैकग्राउंड से होते हैं या आपके लगभग आसपास कोई भी किसान है या कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं तो उनको आपको सतर्क करना, उनको आपको ये जताना कि आप जो रासायनिक इस्तेमाल कर रहे हो कितने मात्रा में कर रहे हो, जितना मात्रा वो पौधे को चाहिए वही कर रहे हो या उससे ज्यादा। मैं तो बहुत जगह सुना हूँ कि ये 2 से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक यूरिया जो भी रासायनिक है वो 10 गुना से ज्यादा स्प्रे करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा छिड़काव करते हैं यूरिया का, डीएपी का, वो सब रासायनिक सारों का वो बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये तो उसी वक्त आपको पौधे को बहुत अच्छा हरा भरा बना देगा, पर आने वाले दिनों में वो क्या करेगा, वहां पे आपकी जो मिट्टी का जो भी पोषक तत्व था वो खींच लेता है, सींच लेता है और वो नहीं रह पाता वहां पे, और आने वाले दिनों में वहां पे पैदावार क्षमता घट जाता है। और आपको डिटेल में ये जानकर ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ कौन कौन से प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, इसके साथ हम कौन कौन से प्रोडक्ट से लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो भी जानकारी हम लेते हैं। ये आप जब भी, मैं जैसे बोला, रासायनिक खेत हो, जैविक का खाद हो, जो भी है आप उसको मिट्टी मिट्टी के ऊपर लगा सकते हो, मिट्टी के साथ लगा सकते हो, किस किस के साथ लगाना, कब लगाना, और हर एक खेती में ये इस्तेमाल कर सकते हो। 25 से 30 दिन के अंदर सर्व ब्लैक मैजिक को और 100 ग्राम मिलाना इसमें, और आप रासायनिक सार के साथ जैविक खाद के साथ इसको छिड़काव कर सकते हो, जैसे यूरिया डालते थे वैसे। अगर हर एक पेड़ को डालना है, जैसे कि अगर अमरूद हो गया, संतरा हो गया, कोकोनट आ गया, वो सब में 100 से 150 ग्राम ये दोनों का मिश्रण और रासायनिक सार का मिश्रण करके जड़ में आप डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे लास्ट लास्ट में आप देख रहे हैं वैसे, ठीक है ना सर। या आप सभी को समझ में आ रहा है ना सर, आप प्लीज आप सभी अगर कुछ दिक्कत आ रहा है या जो हमारा
क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है जिसमें आपको कुछ डाउट है रिगार्डिंग हमारे प्रोडक्ट का, आपको कुछ जानकारी नहीं हो रहा है, या मैं जल्दी भूल दे रहा हूँ, या मेरी बात आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट में हमारा 15 मिनट का एक सेशन रहता है जहाँ पे आप मेरे से डिटेली बात कर सकते हो, मेरे से और संजय सर भी रहेंगे। संजय सर ऑल्सो इज अ वेरी प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर ट्रेनर, उनका भी आप उनका बहुत सारे कर्नाटका तमिलनाडु केरला के बहुत सारे एग्रीकल्चर फार्मर्स लीडर्स ऑल ओवर इंडिया के भी आप बोल सकते हो, बहुत सारे उनके उनसे सजेशन भी लेते हैं। यू कैन कनेक्ट हिम, यू कैन कनेक्ट अस, हम लास्ट में नंबर आपको दे देंगे। तब तक प्लीज आप पेशेंसली जो मैं डिटेल बता रहा हूँ एक एक प्रोडक्ट का, उसका डिटेल नोट बना के रखिए, डिटेल में आप उसका जानकारी लीजिए, किस किस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से पौधे हमें कितने तादाद में देना है, ये सब आपको जानकारी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आप डोजेस ऑफ डायरेक्शन मैंने दे दिया है आपको, अगर आपको जानकारी नहीं ले सकते तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमेशा कितने तादाद में एक एक चीज को डालना है। ठीक है ना सर? चलिए दूसरा प्रोडक्ट में आते हैं। सर आजकल तो आप नैनो यूरिया भी तो आ गया, तो आप बोल रहे हो रासायनिक सार को धीरे धीरे कम करना है, तो स्प्रे में क्या है? स्प्रे में हमारे पास सर्वो ह्यूमिक लिक्विड है, इसमें क्या क्या मिलता है? ह्यूमिक एसिड मिलता है इसमें, अमीनो एसिड मिलता है इसमें, इसमें फलरिक एसिड मिलता है, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। ये क्या करता है? जड़ की मजबूती, पौधे को विकसित करने में, पीएच को इम्बेलेंस में जो हो जाता है आपके रासायनिक सार का इस्तेमाल करने के कारण, कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के कारण, खरपतवारों का इस्तेमाल करने के कारण जो पीएच इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे अगर हम ज्यादा मतलब बाहर की खाना खाएंगे तो हमको भी तो बुखार जुखाम होने लगेंगे ना, वैसे मिट्टी को अगर ज्यादा केमिकल का आप इस्तेमाल करेंगे ना तो उसका क्या होता है, वो ज्यादा हार्श इफेक्ट दिखाता है। उसका जो तापमान होना चाहिए, उसका जितना अनुकूलित पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन रहना चाहिए, पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, उतना नहीं होता, या 5 से कम हुआ होता है, या 7 से 8 से ऊपर ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है, पौधा कुछ भी उग नहीं पाता है। तो आइडियल कंडीशन क्या है आपको पौधे उगाने के लिए? अराउंड 6 to 7, 7.5 8 के अंदर भी कहीं कहीं उग जाता है, 5 to 8 के अंदर आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू होना चाहिए। आइडियल कंडीशन है 6.5 to 7, 6.5 to 7 है तो आपकी मिट्टी अच्छा खासा पैदावार क्षमता कर सकती है। अब उसको थोड़ी बहुत मिट्टी में लगाने से, स्प्रे करने से आपकी अच्छा खासा पैदावार क्षमता मिल सकता है। ठीक है ना सर? अब इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, ये क्या करता है ना, मिट्टी में जो पानी रोकने की जो खासियत थी वो ज्यादा बढ़ा देता है, जो मिट्टी में जो पानी रोकने की जो काबिलियत थी वो बढ़ा देता है। उसके बाद ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग में भी कभी कभी काम आता है, ये क्या करता है, ये क्वालिटी इंप्रूव करने में काम आता है, उसका टेस्ट बढ़ाने में भी काम आता है। ये जो आपकी डिकम्पोजिशन, कंपोस्ट का जो भी मतलब सड़ना है, गलना है, उसमें भी ये गलने में भी काम आता है, सूक्ष्म जीव पनपने में भी ये काम आता है। तो ये सब आपको ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी दे सकते हो, जड़ की विकसित के लिए भी दे सकते हो, फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए भी ये काम आता है, अगर आप इनिशियल स्टेजेस से देते आ रहे हैं। ये क्या है कि स्प्रे करने के लिए, शेफाली खातून सर मैं आपको नंबर भेजूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको नंबर भेजूंगा, लास्ट में आपको नंबर दे दूंगा, प्लीज तब तक बने रहिए, डिटेल जानते रहिए। सर्वो ह्यूमिक लिक्विड को आपको नैनो यूरिया के साथ भी स्प्रे कर सकते हो, या आप कोई भी बायो फर्टिलाइजर्स ला रहे हो जैसे कि जिंक हो गया, जैसे खनिज तत्व कोई बोरॉन वैसे कुछ ला रहे हो उसके साथ भी आप स्प्रे कर सकते हो। ये आपको जब भी 30 दिन से 40 दिन का है तो ये दो प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है ना सर? कैसे इस्तेमाल करना है, किस किस तादाद में, स्प्रे करने के वक्त आप हर एक पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कैसे करना है, बीज उपचारण, बीज उपचारण में आप इस्तेमाल कर सकते हो। बीज को जो भी बीज आप लेते हो बोने से पहले उसको 2-3 घंटे भिगो देना, किस किस में, ह्यूमिक लिक्विड में, नीम में, ग्रीन में। ह्यूमिक लिक्विड क्या करता है, जड़ की विकसितता करेगा, नीम क्या करेगा, बीमारियों कीड़ों से बचाएगा, ग्रीन क्या करेगा, कांड की मजबूती, टहनियां बनाने में, पौधे की विकसितता में काम करता है। नीम और ग्रीन के बारे में हम जानकारी बाद में लेंगे, अभी ह्यूमिक लिक्विड के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद आ गया सीड ड्रेसिंग का, मैंने बताया इसका क्या करना है, 1 1 किलो बीज का 5 ml आप हर एक का लेना, नीम का, ग्रीन का, ह्यूमिक लिक्विड का, और ये भिगो के उसको बीज को बोना, तो ये आपका अच्छा खासा पौधे की
ऑलराउंड प्रोटेक्शन करेगा। जब विकसित की काम है, जब मतलब कांड बढ़ रहे हैं, टहनिया आ रहा है, पत्ता आ रहा है, स्प्रे कर सकते हो। 1 लीटर पानी में 2 ml, मतलब 15 लीटर पानी में 30 ml, 20 लीटर पानी में 40 ml, 1 लीटर पानी में 2 ml, ठीक है ना। और ये मिलाने से पहले एक बार अच्छा खासा हिला के मिलाइएगा, ठीक है ना सर, घोल के मिलाइएगा उसको, मतलब ठीक है। उसके बाद आप ड्रिप में भी दे सकते हो। ड्रिप में किसे देना है? 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, समझ गए सर। मतलब ड्रिप और ड्रेंचिंग जब करते हो, ड्रेंचिंग का मतलब जैसे हम नल की पानी खोलते हैं, वैसे जड़ के पास अगर आप स्प्रे करते हो नोजल से, बिना नोजल से, तो वो ड्रेंचिंग बोलते हैं। और नोजल से स्प्रे करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? फॉलियर स्प्रे। अगर आप ड्रेंचिंग और ड्रिप का इस्तेमाल करते हो, ड्रिप का मतलब ड्रॉप इरिगेशन, धीरे 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 बढ़ता है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, ठीक है ना सर। समझ में आ गया सर आप सभी को? समझ में आ रहा है ना सर आप सभी को? ये हो गया सब सॉयल एप्लीकेशन का काम, ठीक है ना सर। प्लीज चैट बॉक्स में रिफर कीजिए। समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। यस यस सर। क्यूबिक लिक्विड में ब्लैक मैजिक मिला सकते हैं क्या सर, आप अगर पूछना चाहते हो? हाँ बिल्कुल मिला सकते हो, बहुत अच्छा काम करेगा। कितना? 30 ग्राम, 30 ग्राम 15 लीटर टैंकी में। मतलब जैसे 2 ml आप ले रहे हो, हर 1 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम ब्लैक मैजिक लेना हर 1 लीटर पानी में। तो ब्लैक मैजिक क्या है सर? सर्वो ब्लैक मैजिक, सर्वो ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमारे पास 98% मिलने वाला ह्यूमिक एसिड होता है, और उसमें बाकी जो होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ये मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे हमारे बाल हैं, हमारे बाल होते हैं जड़ों के भी बाल होते हैं, वहां से ही पानी, वहां से उसके माध्यम से पानी जाता है, वहां से खनिज तत्व जाता है, वहां से ही कोई भी मतलब कुछ सूक्ष्म जीव खाना, कोई नाइट्रोजन देता है बचा के, तो ये सब में ये काम आता है। और ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ रूट ग्रोथ में अच्छे से मिट्टी को पकड़ के बैठने में काम आता है। ये पीएच इम्बैलेंसिंग में भी ये काम कर लेता है कभी कभी, ये खाना बनाने प्रक्रिया को सक्रिय कर देता है। ये कैसे कर सकते हो? मैंने क्या बोला, ये कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट के साथ आप दे सकते हो। कैसे? अगर आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स इस्तेमाल कर रहे हो तो 100 ग्राम उसमें मिला देना 5 किलो कट्टे में। अगर आप ह्यूमिक लिक्विड कर रहे हो तो आप ऐसे 30 ग्राम मिला देना 15 लीटर टैंकी में। अगर आप ह्यूमस का इस्तेमाल करते हो, 2.5 किलो का जो है, उसमें 100 ग्राम मिला देना। तो सॉइल एप्लीकेशन में कुल मिला के 4 प्रोडक्ट है। क्या क्या? ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस और ब्लैक मैजिक। ये चारों में क्या मिलाना है कॉमन? ये ब्लैक मैजिक, सॉरी, ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस में क्या मिलाना है कॉमनली? ब्लैक मैजिक मिलाना है, ठीक है ना सर। समझ में आ रहा है ना सर आप सभी को? या थैंक यू थैंक यू। या प्रीति दोलिया सर, आप फ्लावरिंग्स में दे सकते हैं, बट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ह्यूमिक को फ्लावरिंग टाइम में देना नहीं चाहिए, बट एट बिफोर फ्लावरिंग, आफ्टर फ्लावरिंग यू कैन गिव, ओके, नो इश्यूज, ठीक है ना सर। उसके बाद हमारा आता है सर्वन नीम। सर सर्वन नीम तो बायो पेस्ट मैनेजमेंट में आएगा। आपको ये क्या क्या करेगा? बीमारी, 200 प्रकार की बीमारी से बचाएगा। 40% का जो भी कीड़ा लगता है उससे आपके बचाता है। ये क्या करेगा? आपकी फोटो डिकम्पोजिशन को रोकता है। ये जो भी नीम की कंपाउंड्स रहते हैं, जो कि उसकी खासियत रहती है, जो उसकी कड़वापन होता है, इसके साथ कैमजोर मिला हुआ होता है, ये क्या करता है? बहुत अच्छा तरह रिपेलेंट होता है, ये पेस्ट रिपेलेंट बोलते हैं। ये क्या करता है? ये कीड़ों को आसपास भटकने नहीं देता है। अगर आप देखे होंगे, जैसे अगर हम ओडोमॉस लगा लेते हैं, अगर हम कुछ मच्छर का जो भी क्रीम आता है, अगर हम इसे लगा लेंगे ना, तो ये क्या करता है? मच्छर आसपास नहीं आता है, हमको मच्छर नहीं काटते। ये ऐसे ही होता है कि अगर इसका स्प्रे कर लेंगे ना, आसपास इसके इसका जो खुशबू है, इसका जो कड़वापन है, इससे आसपास बीमारी नहीं आएगा, इसके आसपास वायरस बैक्टीरिया नहीं भटकेगा। कैसे इस्तेमाल करना है? 25 से 30
30 ml, मतलब 15 लीटर टैंकी में 25 से 30 ml ले सकते हो। अगर आप कोई भी ड्रिप या ड्रेंच का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 लीटर ले सकते हो। अगर आप जड़ का उपचारण, बीज का उपचारण कर रहे हो तो भिगो के 5 ml प्रति केजी बीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दिया है बीज उपचारण में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जड़ उपचारण में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ये हर एक 10 दिन के बाद अगर आप स्प्रे करते रहेंगे ना, तो आपकी केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। और ये कितने का आता है? 600 रुपए का। वही चीज अगर आप केमिकल में जाएंगे तो ये आपको क्या करेगा, एक एक बीमारी के लिए, एक वायरल के लिए, एक बैक्टीरियल के लिए, फंगल के लिए, एक एक 1,000 रुपए, 2-2 हज़ार रुपए एक एक बीमारी के लिए वो लेगा। लेकिन हमारे पास 200 प्रकार बीमारियों को और 40% की जो भी कीड़े होते हैं ये सभी को मार देते हैं, ठीक है ना। इसके साथ क्या देना है सर, इसको कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट में आप डॉक्टर गोल्ड दे सकते हो, फंजी दे सकते हो, वो जानकारी हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि वो कीटनाशकों की कैटेगरी में आता है। कीटनाशक मतलब केमिकल का नहीं, ये क्या है, जैविक कीटनाशक होता है, ये बायो फंगिसाइड्स होते हैं, ये बायो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड होता है, ये बायो वायरी वायरीसाइड होता है, बायो बैक्टेरियोसाइड होता है, ये सब बायो में आता है, जैविक में आता है, ठीक है ना सर। सर आप हमारा जो भी प्रोडक्ट है, आप हर एक खेत में फूल हो, फल हो, किसी में भी आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो। दानेदार में भी दे सकते हो, अनाज वाले में भी दे सकते हो, फूल में, फल में, हर एक में दे सकते हो। ये ऐसा सल्यूशन है कि ऐसा कंपोजिशन हम बनाए कि हर एक पौधे में ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना सर। उसके बाद आ गया हमारा, मैंने सेकंड पड़ाव पहले क्या बताया था, सॉयल एप्लीकेशन हो गया। दूसरा पड़ाव प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या बायो स्टिमुलेंट्स जो बोलते हैं हम। लेकिन नीम मैंने बीच में क्यों डाला, क्योंकि आपको अगर 15 से 30 दिन के बाद आप जब भी देते हो नीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इसी हिसाब से मैं प्रोडक्ट को बता रहा हूँ, पहले सॉयल एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद नीम का हो गया, उसके बाद ग्रीन का, नीम ग्रीन मिला के भी स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो ग्रीन जैकपॉट कार्बन, नीम जैकपॉट मैक्स का भी इस्तेमाल करके स्प्रे कर सकते हो, वो जानकारी हम डिटेल में लेंगे। तो चलिए पॉइंट में आते हैं अभी, मैं जैसे बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड बायो स्टिमुलेंट, जिसमें क्या क्या आता है, ह्यूमिक एसिड आता है, अमीनो एसिड आता है, फल्विक एसिड आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या है, जैसे स्पाइरुलिना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत सारे खनिज तत्व, बहुत सारे हार्मोनल जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो इम्प्रूव करता है, हमारी सेहत सेहत को अच्छा बनाता है। ऐसे ही ग्रीन क्या करता है, समुद्री काई जो होती है, सीवीड एक्सट्रैक्ट जिसमें मिलता है, उसमें क्या होता है, वो वैसा काम पौधे में करता है। जैसे स्पाइरुलिना हमारे सेहत के लिए है, वैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट पौधे के लिए होता है। और इसमें ह्यूमिक एसिड भी है 12%, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या काम करता है, जैसे हमको चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए, वैसे ही इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड में जाता है, वो कान की मजबूती के लिए काम आता है। फल्विक एसिड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनोडल्स ब्रांच, ये सब डेवलपमेंट्स में काम आता है, ये एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में ये काम करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, बीज की जो भी जड़ की बीज की जो ऊपर उठनी चाहिए सतह, वो अच्छे से मजबूती से बढ़ रहा है कि नहीं, कांड की मजबूती, जमीन के ऊपर से निकला हुआ कांड मजबूत है कि नहीं, ताकि फल अगर आए तो वो गिरे ना। उसके साथ अगर आपकी पौधे ज्यादा बुढ़ापा का शिकार होता है, ज्यादा केमिकल की मात्रा है उसके कारण गर्मी बढ़ रही है, उसका शिकार बन जाता है, पानी नहीं रोक पाता है, और उसके साथ अगर आपकी जो पोलन ग्रेन्स होती है, जो फूल का निखारना होता है, ये उसका भी निखार देता है, ठीक है ना सर। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेम 2 ml 1 लीटर पानी में, मतलब 15 लीटर टंकी में 30 ml, 20 लीटर टंकी में 40 ml। अगर आप बीज उपचारण में इस्तेमाल करते हो तो आप लगभग 5 ml लेना 1 kg बीज में, नीम और हमारा जो ह्यूमिक लिक्विड है वो भिगो के आप बो सकते हो। अगर आप सॉयल एप्लीकेशन में करना चाह रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ ये 500 ml और उसमें थोड़ी बहुत रेत मिला के आप डाल सकते हो, ठीक है ना। ट्रंचिंग और ड्रिप में 500 से 1 ml चला जाता है, ये बेसिकली ड्रिपिंग और ट्रंचिंग में चलता है, ठीक है ना सर।
और उसके बाद आया हमारा सर्वा लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। ये सर्वश्री का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नया प्रोडक्ट है, पर बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है हमारा। ये क्या करता है, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है। जैसे हमारे इंडिया टीम में हार्दिक पांड्या हो गए, आज रविंद्र जडेजा जैसे खेल गए, तो वैसे लोग जो होते हैं जो अच्छा अच्छा खेल लेते, मतलब बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं, बॉलिंग से भी 2-3 विकेट ले लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छा खासा कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को ऑलराउंडर का काम बोलते हैं। तो ये ऐसा काम करता है। हमारा जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है तो उसमें सर्वश्री का ऑर्गेनिक लिक्विड कार्बन वैसा काम करता है। जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, समझ गए, वैसे पौधे को कार्बन चाहिए। वो कार्बन इससे भरपूर मात्रा में मिट्टी में होगा ना, कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर मिट्टी में ज्यादा मिलते हैं ना, तो आपकी मिट्टी की गुणतत्व बहुत खासियत बांधने जाती है, ठीक है ना सर। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ये आपकी जो खनिज तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब आपको मिल जाता है उसमें, ठीक है ना सर। ये सब पहुंचने में, जैसे कि देखिए पौधे का पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स होता है, तो ये कैसे हमारा करंट कैसे चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से चलता है। ये दोनों अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तभी तो स्विच ऑन करेंगे, तभी तो बल्ब जलेगा ना। तो यही चीज अगर मिलेगा ना, तो साइलम और फ्लोएम जैसे हमारी नसें होते हैं, अच्छा खून वहीं से जाता है, आर्टरी से भी, तो ये क्या करता है, अच्छा खून जाने की जाने में कौन सा इस्तेमाल, वैसे ही जाइलम होता है। जो भी खनिज तत्व एक खाना बनाने के लिए जो भी पदार्थ चाहिए वो जाइलम से जाता है, और फ्लोएम से जो भी खाद बनता है और पदार्थ हर एक पहुंचने में, जड़ में, हमारी पत्तों में, कांड में, टहनियाओं में, तो ये सभी जगह जाने के लिए फ्लोएम का काम आता है। तो वो कैसे जाता है, प्लस और माइनस में मिलके जाता है। तो ये मिलने का काम करके और पहुंचने का काम में ये सहायता करता है, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया में ये अच्छा खासा सहायता करता है। इसका अगर आप ब्लैक मैजिक, ह्यूमिक लिक्विड और इसका अगर मिला के आप मिश्रण करेंगे ना, अगर आपकी मिट्टी में अगर कहीं कहीं धब्बा है, हाँ येलो येलो धब्बा है, आपका पीला पीला धब्बा पड़ जा रहा है, तो केमिकल ज्यादा है, तो उसको मिट्टी को निखारने में भी ये काम करता है, ये सूक्ष्म जीव बढ़ाने में भी काम करता है, जड़ की विकसितता में भी काम करता है, कई कई पेस्ट मैनेजमेंट में भी रोकने में भी काम करता है। जो भी तनाव बढ़ते हैं, जो भी बोझ आता है, जो भी तनाव उसके पौधे के ऊपर आता है, अबायोटिक हो बायोटिक हो, जैसे मैंने पहले सेशन में बताया था, बायोटिक एंड अबायोटिक तनाव जो होते हैं, वो दोनों तनाव के कारण अगर पौधे झुलमा जाते हैं, उनकी पैदावार क्षमता नहीं हो पाता, वो तनाव उसके ऊपर आने नहीं देता, वो वातावरण में तनाव बिना तनाव पूर्ण मतलब रोक के रखता है, ठीक है ना सर। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने बोला था ये ऑलराउंडर है, तो ये हर एक के साथ ये काम करता है, सर्व ग्रीन के साथ, जब भी टहनिया पत्तों को बढ़ाना है, जड़ की मजबूती, मिट्टी के उपचरण में, ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक के साथ, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ भी आप इसका कर सकते हो, पर रेत मिलाना उसमें, ठीक है ना। जब भी आप जो भी आप फेंकते हो ना, अगर आप लिक्विड उसमें मिला रहे हो, रेत मिला के करना और पानी देना, पानी अच्छा खासा देना। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हो, स्प्रे ही कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है, छिड़काव कर रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक और ह्यूमस है, मतलब फेंकने के लिए, ठीक है ना सर। उसके बाद बीज उपचरण में नीम के साथ आप कर सकते हो, डॉक्टर गोल्ड के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कुछ कीटनाशक का कुछ सहायता आपको 100% होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए, तो आप डॉक्टर गोल्ड और हमारा जो जो हमारा नीम है उसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आ गया सर्व जैकपॉट। सर्व जैकपॉट एक ऐसा बायोस्टिमुलेटिव प्रोडक्ट है जो कि आपके पौधे का जो फूल गिरना, फल गिरना, फूल को निखारना, फल को निखारना, हवा के झोंकने के कारण फल गिर जाता है, क्योंकि फल फूल से ही फल बनता है, फूल को अगर गिर जाएगा, फल गिर जाता है तो अच्छा खासा नहीं बन पाता है। आप देखे होंगे फूल या फल झुलमा जाते हैं, मतलब एक ही दिन में वो सड़ जाते हैं, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो जैकपॉट का इस्तेमाल करने के कारण वो जल्दी नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, जिंसेंग मिलता है, फल्विक एसिड मिलता है, नेचुरल ओबेसिलोनॉइड्स मिलते हैं, नेचुरल साइटोकाइनिन्स मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलता है, नेचुरल एंजाइम मिलता है, मतलब ये सब हार्मोन्स उसको मिलता है। और ये क्या करता है, ये विकसितता में काम आता है, फूल की निखारने में, फल की निखारने में, मिठास बढ़ाने में, बुढ़ापा जल्दी ना आने में, पत्तों को पीला
जल्दी ना हो पाने देता है, या प्रीमैच्योर डेथ मतलब बुढ़ापा जो रोक पाता है, ये ग्रोइंग को रोक देता है। मैं ये सब आपको बता रहा हूँ ताकि ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, जब भी आप किसान के पास जाते हैं तो ये सब आप उनके साथ बोल सकते हैं, ताकि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से ये लाभ वो ले सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप कभी भी कुछ भी सजेस्ट करने से पहले अगर हमसे रिकमेंड कर लेंगे, इट विल बी बेटर। क्या आप अगर जानकारी ले चुके हैं, 2-3 महीने से हमसे जुड़े हैं, एंड यू हैव बीन एक्सपर्टीज इन द फील्ड, यू कैन सजेस्ट अकॉर्डिंगली। जिससे बहुत लोग मेरे से सजेशन लेके नाउ दे आर डूइंग विद देयर ओन टर्म्स, उनका ओन एक्सपेरिमेंटेशन चलता है। कहीं कहीं मैं एक ब्लैक मैजिक बोलता हूँ तो 2 ब्लैक मैजिक डाल देते हैं, वो मिट्टी के हिसाब से वो डालते हैं। तो ये सब आप एक्सपर्टीज ले सकते हो, पर पहले क्या जानकारी लेना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, उसके बाद ही आप इसका मार्केट में ये आप बोल सकते हो कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है। ठीक है ना सर? तो कैसे इस्तेमाल करना है, 15 लीटर टंकी में 5 ml से 7 ml फूल या फल निखरने से पहले अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 5 ml फूल या फल निखरने के बाद अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 7 ml। ये फूल से पहले फल के बाद आप स्प्रे करना, फूल और फल के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हो, पर एक बार मेरे से सजेशन लेना, मैंगो में कर सकते हो, वैसा चीज गोवा में नहीं कर सकते। तो इट डिफरेंशिएट्स अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, प्लीज मेरे से एक बार पूछ के आप कर सकते हो। किस किस के साथ मिला के कर सकते हो, मैंने जैसे बोला था कार्बन के साथ, जैकपॉट के साथ, नीम के साथ, हर एक को हर एक चीज में मिला सकते हो, पर उसका काम होना चाहिए। जैसे ग्रीन और जैकपॉट का मिलाने से अच्छा काम होता है, कार्बन और क्यूबिक लिक्विड का, ब्लैक मैजिक का मिलाने से बहुत अच्छा काम होता है, वैसा आपको कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट का समझ होना चाहिए। ठीक है ना सर? समझ में आ रहा है ना सर आप सभी को? या उसके बाद आ गया सर्वो स्टिकर। नाम से ही आप सभी को पता चल रहा होगा ये स्टिकर का काम क्या है। स्टिकर क्या है, स्टिक क्या करता है, ये नॉन आयोनिक बेस्ड होता है, सुपर स्प्रेडिंग एडजुवेंट स्प्रेयर बोलते हैं ये। जब भी आप कोई भी केमिकल लेते हो उसका क्या होता है ना, केमिकल का पीएच, जो भी खरपतवार हो गया, जो भी कीटनाशक हो गया आप लेते हो केमिकल का, तो वो क्या है, पीएच 5 से ज्यादा या कम या 7 से ज्यादा या कम होता है। वो पीएच अगर ज्यादा हो गया, पानी में घुलने में काम नहीं आता है, एक एक चीज ऊपर बैठ जाएगा, एक एक चीज नीचे बैठ जाएगा, आप स्प्रे करेंगे ना तो अच्छे से घुल के नहीं काम करता है। तो ये क्या करेगा, इसको 5 से 7 ml अगर आप 15 लीटर टंकी में लगाएंगे ना, ये क्या करेगा ना, उसको अच्छे से घुलने में काम आता है, उसको फैलाव करने में, केमिकल का कम लागत करने में, ज्यादा केमिकल ज्यादा जगह में लगने से, 10 दिन का जो पावर था केमिकल का 20 दिन तक बढ़ाने में। अगर आप स्प्रे करने के बाद बारिश हो गया तो धुल जाता है जो केमिकल, ये धुलने नहीं देता है, ओस गिर गया तो धुल जाता है, तो वो ये गिरने नहीं देता है। ये क्या काम करता है, अगर आप केमिकल डाल देते हो तो एक पपड़ी जम जाती है, मतलब आप अगर बाहर का कोई भी स्टिकर का जैसा प्रोडक्ट अगर बाहर का कोई इस्तेमाल करते हो, जैसे गम गम बोल देते हैं या हम अट्ठा बोलते हैं अट्ठा, तो ये क्या करता है, ये चिपकने वाला काम करता है, तो बाहर भी मिलता है पर ये क्या करता है, वो एक पपड़ी जमा देता है और एक 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 लेयर जमा देता है। और इसमें क्या होता है, नाक जो होते हैं पत्तों के नीचे जो स्टोमाटा रहता है, जैसे हमारा नाक होता है, अगर मैं नाक बंद कर दूं तो आपको निश्वास प्रश्वास की संक्रिया नहीं हो पाता है। अगर आप बोलोगे सर मैं मुंह से ले लूंगा, अगर मुंह भी बंद कर दूं तो आप नहीं ले पाओगे। तो वैसा ही जो पत्तों का नाक होते हैं, पत्तों का भी नाक होते हैं, वो भी हवा लेते हैं, वो भी हवा छोड़ते हैं, वो क्या कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कई कई तो पौधा है जो कि ऑक्सीजन लेके कार्बन छोड़ता है, वो अलग बात हो गया, उस उतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं, पर जैसे बहुत सारे पौधे जैसे कार्बन लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो पौधे को अगर आप केमिकल स्प्रे कर देते हो तो एक पपड़ी जम जाती है, वो निश्वास प्रश्वास की संक्रिया नहीं हो पाता, एक 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 फिल्म चढ़ जाता है उसके ऊपर, तो वो फिल्म हटके वो क्या करता है, वो नाक को कंट्रोल करता है, वो हवा को, सेल वॉल्स को, स्टोमेटा को, वो जो नाक का पदार्थ होता है जैसे मैंने बोल रहा हूँ वो स्टोमेटा होता है, वो बंद और रुकने में काम जो होता है वो सक्रिय करता है। ठीक है ना सर? उसके बाद हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट सर्वोमैक्स। सर्वोमैक्स भी एक एडजुवेंट स्प्रेयर है, ये आप जब भी खरपतवार लेते हो, जो भी जैविक का स्प्रे करते हो, इसको स्प्रे करना, ये क्या करता है, जो भी केमिकल हो गया डीएपी यूरिया का आप इस्तेमाल करते हो, 25 से 30% का इसका इस्तेमाल जो बढ़त है वो अच्छे से हो, 100% हो, उसको देखता है।
25 से 30% की आपकी पैदावार क्षमता को बढ़ा देता है, एंजाइम एक्शंस को बढ़ाता है, फ्लूटिंग और फ्लावरिंग सेटिंग करता है ये, और जो स्प्रे होता है अच्छे खासा पहुंचने में भी काम आता है, पेनिट्रेशन करने में भी, पत्तों के अंदर जाने में भी काम आता है, हर्बिसाइड्स प्रोटेक्शन का एक्ट में भी आता है। ये पौधे को जो ओस भरा होना चाहिए, पौधे के आसपास पानी जैसी भरी होनी चाहिए, उसमें भी काम आता है। ये पीएच इम्बेलेंस में भी जो भी काम आता है, ये भी ब्लैक मैजिक के साथ इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। कितना इसमें तो 5 ml दिया है 15 लीटर टंकी में। जब भी आप जैविक का स्प्रे कर रहे हो, जैसे कि अगर कार्बन का स्प्रे कर रहे हो, जैकपॉट का स्प्रे कर रहे हो, ग्रीन का स्प्रे कर रहे हो, ह्यूमिक लिक्विड का, तो ये 30 ml डाल। अगर आप कोई भी खरपतवार का कर रहे हो तो 5 ml तब डालना, कोई रासायनिक का कर रहे हो 5 ml ही तभी डालना। दोनों में आप कोई भी एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो, स्टिकर या मैक्स, दोनों में कोई एक चीज इस्तेमाल कीजिए जब भी स्प्रे करते हैं। उसके बाद तीसरे पड़ाव में हम आते हैं, या चौथे पड़ाव में आप बोल सकते हो कि ये क्या है, हमारे जो कीटनाशकों की जैविक कीटनाशक हो गए, कैसे क्या है, बीमारियों से कैसे बचना है। देखिए हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है सर्वर डॉक्टर गोल्ड। आप अगर मार्केट में जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे, आपको वायरल के लिए एक, बीमारी के लिए देगा, फंगल के लिए एक देगा, बैक्टीरियल के लिए एक देगा, मिट्टी से आने वाली बीमारी के लिए एक देगा, बीज से आ रहे बीमारी के लिए एक देगा। तो एक एक बीमारी के लिए एक एक 2,000 रुपये आप निकाल दीजिए, वहां पे ही आपको 10,000 की बेच जाती है। लेकिन हमारी प्रोडक्ट ऐसा है, 5 प्रकार की बीमारियां एक ही प्रोडक्ट से चला जाएगा, वो है सर्वा डॉक्टर गोल्ड। क्या क्या है वो, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, माइक्रोबियल है, एंटी जर्मिसाइड फ्री है, मिट्टी में जो भी बीमारी थी पहले पौधे का उसको बचाता है, बीज में जो भी बीमारी थी उससे भी बचाता है, बैक्टीरिया से भी बचाता है, वायरल से भी बचाता है, फंगल से भी बचाता है। जो भी आपकी खाना बनाने की प्रक्रिया को जो भी साइटोकाइनिन सिंथेसाइजेशन बोलते हैं, जो कि बैक्टीरियल अटैक के कारण खाना बनाने की प्रक्रिया स्ट्रेस में चला जाता है, वो साइटोकाइनिन सिंथेसाइजेशन में भी काम आता है। तो ये सब में ये काम करता है। ठीक है ना मैम, ठीक है ना सर, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? तो उसके बाद सर आपने बोला कि फंगल के जो भी है तो डॉक्टर गोल्ड भी खत्म करता है। हाँ, फंगल डॉक्टर गोल्ड खत्म करता है, पर एडवांस स्टेजेस जो होता है, फफूंद जाति की बीमारी जब ज्यादा फैल जाता है, सड़ना गलना, उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है सफेद कलर की या भूरा रंग का या काला रंग का, सर पपड़ी जम जाती है और हाथ में लगाने से हमारे हाथ में लग जाता है, तो समझ लीजिए उसी वक्त आपको फंगल फंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या क्या बोलते हैं, लीफ स्पॉट बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ये सब बीमारी उसमें आता है। ये क्या करते हैं, कण होते हैं, जो नसों का कण होता है उसमें ये कण को मार देता है। ये कण को अगर मार देंगे तो ये फैलने में इतना कामयाब नहीं होता है। तो ये फंगल सेल्स का जो भी कण होता है उसमें इसको डायरेक्टली ये मार देता है। और इन दोनों में कैसे इस्तेमाल करना है डॉक्टर गोल्ड, में कहना भूल गया, 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, मतलब 15 लीटर पानी में 30 ग्राम। अगर आप ऐसे मान लीजिए पौधा, आप अगर रुआई से पहले या जुदाई से पहले अगर आपको बो रखे हैं, जैसे धान हो गया, एक जगह रुते हैं ना, रुने से पहले अगर आप वहां पे कर रहे हो तो 100 ग्राम लगा दीजिए वहां पे। ठीक है ना सर, कितना है पंजी, कितना है, सेम 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, मतलब 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। तो ये हमेशा नीम के साथ इस्तेमाल करना है, नीम लेना 30 ml, इसके साथ 30 ग्राम फंजी लेना या 30 ग्राम डॉक्टर गोल्ड लेना, अकॉर्डिंग टू द बीमारी, बीमारी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। या उससे सबसे सक्षम तरीका क्या है सर, आप मेरा नंबर लीजिए, संजय सर का नंबर लीजिए, आप फोटो खींच के भेजिए, हम तुरंत विदिन उसी 1 या 2 घंटे में आपको मैसेज कर देंगे। अगर हम आप कुछ मीटिंग में बिजी रह गए तो हम आपको 24 घंटे में आपको within 24 hours हम आपको रिप्लाई देते हैं। तो प्लीज डू नोट, अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, अगर आपको कोई बीमारी के बारे में पता नहीं है या किसान भाई को कुछ कुछ जानकारी चाहिए, तो फोटो खींचना पौधे का, पत्ते का, जड़ का, मिट्टी का, तो जो भी आप खींच सकते हो, पौधे का खींचना, पत्तों का खींचना, जड़ का खींचना, तो ये काफी होता है।
और आप अगर जानते हो कि सर ये से बीमारी लगता है तो बहुत ही अच्छा है, मेरे को वॉइस मैसेज में बता देना। मैं केमिकल के साथ जो भी हमारा जैविक तत्व है, जो भी जैविक प्रोडक्ट है, एसएचपीएल एग्रोकेयर का बायोस्टिमुलेंट्स प्रोडक्ट है, वो कैसे इस्तेमाल करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हो, केमिकल को धीरे धीरे कम कैसे करना है, वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है ना सर? मैसेज के माध्यम से हो या वॉइस मैसेज में हो या मैं डायरेक्टली कॉल में ही आपको बता दूंगा, ठीक है ना सर? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अभी तक सबर बना के बैठे रखने के लिए। मेरा स्लाइड अभी खत्म होता है, तो हमारा जैसे स्लाइड आपको जी अभी आज का जो सेशन है आपको कैसे लगा उसको आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। और आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत, आप सभी ने सबर बना के अभी तक बैठे रहे हैं। आप सभी को अगर कुछ पूछना है, अगर कुछ बताना है, आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, मैसेज मैसेज में आप डाल सकते हो कि कैसे आज का सेशन आपको लगा, कितना आपको अच्छा लगा, या क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, या कुछ सुझाव मेरे को देना है, या कुछ गलती मैंने की है, आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बोलिए सर। या आई एम गिविंग माई नंबर 8750633398, दिस इज माई नंबर एंड माई सेल्फ तरुण तेजा। ओके यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर एंड या मैंने दे दिया मेरा नंबर एंड माई सेल्फ तरुण तेजा। एंड मेरा जो भी पढ़ाई है एंड आई डिड माई मास्टर्स इन सॉइल साइंस, आई डिड माई बीएससी इन एग्रीकल्चर, बैचलर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेस। और मैं बेसिकली लाइक आई हैव बीन अ सॉइल साइंटिस्ट, सो मैं आपके साथ जो भी आपको जो भी जानकारी है आप मेरे से ले सकते हैं। आपको अगर कुछ कुछ आपको कुछ कमी लग रही है खेती में, अगर आपको कुछ सुझाव चाहिए, या आपको कुछ कैसे लगता है कि सर जैविक में कैसे बदलना है, तो आप मेरे से सुझाव ले सकते हैं। सर घास को सूखने के लिए हमको मार सकते हैं, घास को पचाने के लिए आप ह्यूमिक लिक्विड ले सकते हो, कार्बन ले सकते हो, ये सब ले सकते हो। तो मैं आप सभी को एक बार अनम्यूट करता हूँ। आप सभी लोग, आप जो भी लोग हो, प्लीज वॉइस मैसेज में आपको कैसे चैट लगा, कैसे आपको लगा, कैसे आप सभी को ये सेशन लगा, ये बता सकते हो। आप सभी प्लीज आप अनम्यूट करके बताइए प्लीज, आप सभी लोग। यस यू कैन डू अनम्यूट करके आप सभी लोग बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ आप सभी लोग कैसे लगा ये आप सभी लोग शेयर अच्छा कर लगा, सकते हो, बता अच्छा सकते अच्छा लगा, अच्छा लगा हो। सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक बहुत बढ़िया लग यू थैंक यू लगा थैंक सर, यू बहुत बढ़िया। थैंक यू सर प्रताप सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रताप सर। और कुछ जानकारी आप जानना चाहते हैं सर? अगर आप और कुछ नारियल जानकारी जानना चाहते हैं, हमारा नारियल गाछ में फूल आता हाँ है बहुत, तो फल फलता हाँ है 4-5, इसमें क्या देना है सर? सर देखिए, जो भी फूल या फल जो भी होता है ना सर, वो एक खनिज तत्वों के कारण वो ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, बोरॉन अच्छा मॉलिबेडनम ये सब चीज रहता है। ये सर, दो अच्छा खनिज तत्व कैल्शियम बोरेट बोल के एक बाहर पदार्थ मिलता है, ये खनिज तत्व होता है, ठीक है ना सर? सर, अच्छा कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम सर, बोरेट, कैल्शियम CaBO। बोरेट, हाँ ये ठीक बाहर जाके आप लेना है, उसके साथ ग्रीन और जैकपॉट हमारा जो है जड़ के पास, आप 20 लीटर पानी में 5 ml जैकपॉट, 30 ml हमारा जो ग्रीन है उसको लेके, और हमारा जो मैंने कैल्शियम बोरेट बोला वो 10 से 15 ग्राम लेके आप मिला के जड़ के पास डाल देना, और 2 दिन पानी देना, ठीक है ना सर? दिन बाद हेलो बाद। सवाल कर रहा हेलो, हूँ। हाँ 2 दिन में पानी देते रहना, ठीक है ना सर? ओके ओके सर, okay, हेलो और क्या हेलो कुछ हेलो, पूछना चाह रहे हैं सर? मैं आप हेलो हाँ बोलिए सर। सर, सर मैं आप हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस हेलो कीजिए, हेलो, मैं बताता हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाता है। हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट करके आपको बोलूंगा बोलने के लिए। हैंड रेस कीजिए प्लीज। हु इज दिस? आई थिंक हैंड रेज इन चैट बॉक्स आपको साइड में मिलता है, या वन बाय वन। तो हैंड रेज को सर
रेड कलर टी शर्ट में पहने हैं आप, हैंड रेस कर रखे हैं पर आपका नाम पता नहीं चला। यू है अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए। वीरेंद्र कुमार सैनी जी पूछिए सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके पूछिए। क्या सर जी, गन्ने में बहुत ज्यादा कीड़ा लग पूछिए गया है, तो उसके लिए क्या करें? सर, गन्ने में कीड़ा लगने से पहले आप मतलब अभी लगा है या लग चुका? नहीं, फसल में जब बोएंगे तो कीड़ा बहुत आता है हमारे यहाँ, तो क्या करा जा? नीम दे सकते हो सर, नीम के साथ आप थोड़ी बहुत, क्योंकि गन्ने में बहुत सारा कीड़ा लगता है तो थोड़ी बहुत केमिकल का इस्तेमाल थोड़ी बहुत करना। अगर हो सकता है आप ऐसे मान लीजिए एमामेक्टिन बेंजोएट का, कोराजन का इस्तेमाल थोड़ी करना, बहुत ही कम 50% में, और उसके साथ स्टिकर का लेना, नीम का लेना और डॉक्टर गोल्ड का लेना। ये अगर कर दोगे ना सर, आपको आने वाले दिनों में पहले ही कर देना, कितना 40 दिन के अंदर ही आप स्प्रे कर देना, आने वाले दिनों में आपको ज्यादा केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी, कीड़ा भी ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना सर? नीम सर जी, नीम स्टिकर और डॉक्टर गोल्ड ठीक। थैंक यू सर। और कोई भी कीटनाशक हो जो कि 20 से 15 ml ले लेना, अगर वो 100 ml बोल रहा है तो 50 ml ही ले, कोई भी एक कीटा, कोई एक कीटा। थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आप? अगर और कुछ पूछना चाह रहे हैं यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग। हाथ उठाइए सर। हाँ ओके ओके, चैट बॉक्स में भी बहुत सारा आ रहा है तो मैं चैट बॉक्स का भी रिप्लाई देता हूँ, तब तक आप हैंड रेस कीजिए। या कार्बन को, हीरालाल जी, कार्बन को आप स्प्रे में कर सकते हो, 30 ml 15 लीटर टंकी में, 40 ml 20 लीटर टंकी में, अगर स्प्रे करना चाहे ड्रिप या ड्रेंचिंग में दे रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, ठीक है ना सर? उसके बाद और कौन है सर? आप मेरा नंबर सर मैंने दे दिया, फिर से दे रहा हूँ, शिफाली सर, 8755063389 इज माई नंबर, एंड करुण तेजा मेरा नाम। ओके एंड या आई गेव माई नंबर अगेन सर, डॉक्टर सब्जा सर, क्यूमिक लिक्विड। या उसके बाद कौन है यहाँ पे सर? फ्लावर्स में भी डाल सकते हैं, या फ्लावर्स में भी डाल सकते हो, मैंने बोला है जैकपॉट और ग्रीन डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रणव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सर गन्ने में ज्यादा कीड़ा लगता है, मैंने बोल दिया अभी सर, कितने ml डालना है सर्वो ह्यूमिक लिक्विड? सर्वो ह्यूमिक लिक्विड 30 ml, 30 ml 15 लीटर टंकी में, मतलब 2 ml हर 1 लीटर पानी में आपको लेना पड़ेगा। इसमें क्या मिला है? ये ब्लैक मैजिक मिला है, वो भी 30 ग्राम, उसका मतलब 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। 15 लीटर टंकी अगर ले रहे हो तो 30 ग्राम, वरना आपको 1 लीटर के हिसाब से लेना है तो 2 ग्राम, 2 ग्राम का ब्लैक मैजिक, 2 ml का क्यूबिक लिक्विड। ये क्या होता है? ये मिट्टी का उपचरण करने में काम आता है, ठीक है ना? सर्वो ह्यूमिक लिक्विड के बारे में बोल दिया अंजना द्विवेदी जी, हो गया ना सर? आई गेव माय नंबर सर, पत्ते गिरने लगते हैं तो कौन सा प्रोड्यूस करें सर? सर पत्ते गिरने के कारण होते हैं वो मतलब पोषक तत्वों की कमी के कारण गिर रहा है, या कोई बीमारी के कारण गिर रहा है, या कोई किसी मतलब क्या कारण है वो हम फोटो देख के ही जानकारी ले सकते हैं। आपका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, Realme 7i लिखा है, तो जो भी चैट बॉक्स में डाले हैं तो प्लीज आपको वो फोटो मेरे नंबर में भेजिए, मैं उसके हिसाब से बोल दूंगा, ठीक है ना सर? कितने ml डालना है सर्वो ह्यूमिक लिक्विड? अभी तो बोला ना मैम, अभी ना अभी तो बोला सर, लाइक अराउंड 30 ml, 2 ml हर 1 लीटर पानी में, हर 1 लीटर पानी में 2 ml लेना, ठीक है ना मैम? आवाज अभी क्लियर आ रहा है? आई थिंक आवाज सभी को क्लियर आ रहा है, पर आप से ज्यादा सर आप सभी को आएगा। ब्लैक मैजिक 30 ग्राम, मतलब 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में ब्लैक मैजिक।
स्वाति पांडे जी। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, और कोई कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं? वी हैव नाउ हो गए हैं, आई विल बी एंडिंग सून, तो और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कीजिए। सर मी शिफाली खतून, या सर अनम्यूट करके पूछिए सर। सर, मैं पूछ रहा था क्या भुट्टा में कीड़ा लगता है ज्यादा, तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमारे किसमें यूज कीड़ा लगता करेंगे? है सर? किसमें? भुट्टा भुट्टा मक्काई। भुट्टा। ओके ओके ओके, मक्के में सर कीड़ा मतलब कौन सा लग रहा है, मक्के के अंदर लग रहा है या पौधे के अंदर आ रहा है, नीचे आ रहा है, पत्ता में आता है, पत्ता में। पत्ता के अंदर? तो उसके लिए सर आप क्या ले सकते हो ना, फिप्रोनील और साइपरमिथ्रिन एक केमिकल आता है वो लेना, हाँ, ठीक है ना सर? मेरे हमारा जैसे वो प्रोडक्ट है, नीम आर वो सुपर गोल्ड, वो एक साथ मिला के नहीं दे सकते है साहब? दे सकते हो, दे सकते हो सर, लेकिन क्या है ना सर, आप पहले भी केमिकल इस्तेमाल कर चुके हो ना, तो जो भी कीड़ा है, जो भी आपके पौधा है, वो केमिकल को मतलब ले चुका है, अपना चुका है, तो थोड़ी बहुत केमिकल करके आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं, 2-3 साल में, उसके बाद आप केमिकल ना करें, पर पहले थोड़ी बहुत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना सर? उसके साथ ठीक है नीम और सर, डॉक्टर गोल्ड का लेके आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ठीक है। और वो सर जी, वो जो अभी इधर धान का मशरूम है, धान लगाता है, तो वो मिट्टी में ह्यूमिक, वो जो है हाँ ह्यूमिक और ब्लैक मैजिक मिट्टी में हाँ दे सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक, कोई भी अगर आप रासायनिक सार लेते हो या कोई भी जैविक खाद लेते हो, गोबर लेते हो, उसको दोनों मिला के 1 एकड़ में बिखेर देना, फेंक देना, ठीक है ना सर? 1 एकड़ में कितना देंगे सब्जी? 5 किलो का ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, उसमें 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक लेना, केमिकल रासायनिक सार लेना या कोई भी खाद लेना, मिला देना और 1 एकड़ में फेंक देना, ठीक है ना? ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक है। है जी। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? मूंग में क्या डालते हैं सर? कौन से स्टेज में है सर द्विवेदी सर? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। या हम जल्दी बंद करते हैं, वी आर गेटिंग टाइम मोर, तो जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं आप, अगर कुछ पूछना है जल्दी पूछिए, एंड वी विल बी क्लोजिंग सून, बाय 9:05 हम बंद कर रहे हैं। सर स्वाति पांडे जी, आप क्या लिखा है? द्विवेदी सर आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ सकते हैं। स्वाति, फंजी कितना डालना है? सर्वफंजी 30 ग्राम, 15 लीटर टैंकी में, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, ठीक है ना सर? उसके बाद गुलाब के पूरे में कीड़े लगते हैं सर, उसमें कौन सा केमिकल डालना चाहिए? सर उसमें आप ऐसे ले सकते हो कि अगर डेलीगेट हो गया या आपको अगर एबरमेक्टिन मोनो इंजॉयड हो गया, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो। पूछो। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि गर्मी में मान लो हम मूंग की खेती करते हैं तो उसमें हाँ दवाई मैम, यूज कर सकते हैं क्या, जिसने आप जो दवाई आपने बताया? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। अभी कौन से स्टेज में है मैम वो पौधा आपका बोले, मूंग का? गर्मी में हम लोग बोते हैं, गर्मी वाला है ये, अभी अभी बोने वाले हैं। या हाँ हाँ, तो बोने के वक्त आप पहले ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का और ब्लैक मैजिक का लीजिए, जो भी रासायनिक सार लेते हो या खाद लेते हो आप उसको मिला दे देना। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का आता है, 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक आता है, वो दोनों मिला के 1 एकड़ में छिड़काव कर देना, मतलब फेंक देना। उसके बाद आप, मेरा नंबर है, आप फोटो खींच के भेजिए, मैं उसके हिसाब से आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना मैम? थैंक यस सर, ठीक है यू, सर, ओके, थैंक यू, ठीक ओके ओके सर, ठीक है सर। मैं ओके ओके ओके। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? मिके पाठक जी, केमिकल आप, मैंने बोला है गुलाब में डाल सकते हो, कैसे जैसे बताया था आपको, अभी डेलीगेट डाल सकते हो आप अगर कुछ एमामेक्टिन बेंजोइट हो गया कीड़े के कारण, अगर आपको कुछ मतलब थोड़े थोड़े मच्छर जैसे आ रहे हैं, तो वो वाला मच्छर जैसा मतलब कीड़ा आ रहा है, तो हयो मिथाइजम हो गया, वो सब केमिकल आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ नीम डॉक्टर गोल्ड कंपल्सरी, ठीक है ना सर? रियलमी 7i
सर चना में कीड़ा लगता है ज्यादा तो क्या करें? नीम नीम और डॉक्टर गोल्ड देना, उसके साथ फोटो खींच के मेरे नंबर पे भेजिए, कौन सा कीड़ा है, क्या काम करेगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना सर? ओके ओके, लगता है वी हैव ऑलमोस्ट डन विथ एवरीबडी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सभी का, जो भी स्वाति पांडे जी, या ग्रीन का आप डाल सकते हो लाइक अराउंड 30 ml, 15 लीटर टंकी में, 2 ml हर एक 1 लीटर पानी में, ठीक है ना स्वाति पांडे जी? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक इतना सबर बना के बैठे रखे हैं और इतना लोग जुड़े हैं। तो और एक वेब सेमिनार में मिलते हैं, और आप सभी को अलविदा कहने से पहले, हमारा हर एक दिन 6 से लेके 7 बजे तक हमारा मीटिंग एग्रीकल्चर सेशन का रहता है, मेरे साथ रहता है, इवन संजय सर के साथ रहता है, हर एक लैंग्वेज में रहता है, हफ्ते में 6 से लेके 7 हर रोज। और वो आप अपने कोई भी अगर किसी लैंग्वेज में है आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं, हर रोज हम आपको अवेलेबल रहते हैं। और उससे पहले प्लीज आप जो हम हमारा जो कंपनी है जो हमको देते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड करते हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि 24/7 हम ट्रेनर आपके साथ है, आपको अपना बिजनेस अचीव करवाने में, आपको अपना बीवी अचीव करवाने में, आपको अपना रैंक अचीव करवाने में, आपको अपना लाइक ड्रीम्स अचीव करवाने में, प्लीज आप उसका जो इस्तेमाल है उसका भरपूर आप लेते रहिएगा। चलिए और एक वेब सेमिनार में मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, जय भारत, जय सर्वस, जय हिंद। या